ओके, सो फिर अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें एडवांस लेवल पे आते हैं। अभी इधर आपने देखा मैंने क्या क्या किया, क्रिसिल वन। सो क्रिसिल वन पे मैंने मेरा डेटा आ गया, मेरे को क्रिसिल टू जो यहाँ पे इस कॉलम का नाम तो मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये एनए बता रहा है। क्यों एनए बता रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर मैं एक कॉपी करता हूँ तो मेरे सारे जो अगले वाले वो भी ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए, ऐसी भी कोई ट्रिक चाहिए आपको? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी क्या आ रही है, बी टू। अब बी टू तो निफ्टी है, निफ्टी के सामने थोड़ी चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को डेट के सामने चाहिए ना। अभी हमने पहला फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, डेट के सामने मेरा ए टू, और फिर मैंने जो मेरा टेबल रहता वहां से मैंने लिंक दे दिया, और फिर कॉमा टू कॉमा जीरो कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉमा थ्री कॉमा जीरो कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी टू आ रहा है, तो ऑटोमेटिक चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डॉलर नहीं लगा है। सो व्हाट इज यूज ऑफ डॉलर इन ऑल एक्सेल फंक्शंस, स्पेसिफिकली जब आप वी लुकअप लगा रहे होंगे, एच लुकअप लगा रहे होंगे, तब इसका यूज क्या है, या सम इफ लगा रहे होंगे। सो डॉलर मैक्स दी सीरीज फ्रीज, ठीक है, या कांस्टेंट लिख दो। जैसे अभी अगर मैं यहां पर इस फंक्शन में ए टू को लगा देता हूं, क्या डॉलर, डॉलर कैसे लगाओगे आप, फोर जो है ना, 1 2 3 4, उस फोर में आता है डॉलर, तो यहाँ पे आप डॉलर ऐसे फोर दबाओगे डॉलर लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट फोर, क्या किया आपने, शिफ्ट दबा के फोर दबाया तो वो डॉलर आ जाएगा, या आपने डॉलर लगा लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो डेटा मेरा आ गया, बट मेरा डेटा कौन सा आया, 1000.297, और यहाँ पे भी 1000.297। ऐसा क्यों आया भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है वो क्या दिया है कि 1 अप्रैल 2000 को देख इस रे में जाके 3 नंबर का कॉलम उठा, तो ये मेरे जो पूरी रेज है यहाँ पे 1 2 3। अब मेरे को चाहिए चौथे नंबर का कॉलम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ जाके कॉपी में इसको कर दूंगा 4, तो अब मेरा डेटा आया 1000.217। देखो यहाँ पे क्या है, 1000.217 है, ठीक है, 217। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा 3 डिजिट्स में, इसको अगर मैं छोटा कर दूंगा तो 1000.22, यहाँ पे भी 1000.22, करेक्ट है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ओके। सो अब मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं, अमित, अमित की एज, फिर सैलरी, फिर यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कृष्णा, कृष्णा की एज सैलरी, फिर यहाँ पे नाम लिख लेते हैं रोशन, उसकी एज सैलरी, फिर यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं सोहम, उसकी एज सैलरी, फिर लिख लेते हैं सुरेश, उसकी उसकी एज और सैलरी। अब देखो क्या है, मेरे पास में 5 डेटा आ गया, ठीक है, इसकी मान लो इसकी एज है 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाके है ना इज इक्वल टू +1 करेंगे सिर्फ, ठीक है, +1, इससे क्या हो जाएगा, 20 में 21 ऐड हो जाएगा, फिर 21 में 22, 22 में 23, ऐसे ऑटोमेटिकली 20 21 22 23 24, तो ये भी एक फंक्शन है जो इज इक्वल टू +1 करोगे और फिर कॉपी पेस्ट नीचे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो +1 होते जाएगा। इन सब की सैलरी मान लो भाई, इनकी सैलरी है 1 लाख, और इसमें जाके कर देंगे हम लोग 20 20 हजार ऐड सबके एज वाइज, तो यहाँ आ गया सैलरी, तो यहाँ पे भी देखो 1 लाख, 1 लाख 20 हजार, 1 लाख 40 हजार, 1 लाख 60 हजार, 1 लाख 80 हजार आ गई सारी सबकी सैलरीज। इसको हम जाके क्या करेंगे, हमें अभी इसमें कॉमा चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है कितना लिखा हुआ है, 1 लाख लिखा है कि 10 लाख लिखा है, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा जो लिखा हुआ है ना इसको प्रेस कर देंगे कॉमा स्टाइल, और फिर यहाँ पे जाके इसके डेसिमल को कम कर देंगे, तो ये आ गया 1 लाख 1 लाख 20 हजार, समझ में आ रहा है अभी। अब मान लो इसमें से कृष्णा और सोहम ये दोनों नाम इस वर्कबुक में है यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे कृष्णा की यहाँ पे सैलरी और एज चाहिए, मेरे पास में यहाँ पे एज है और यहाँ सैलरी है, अब मुझे यहाँ लगा तो यहाँ पे सैलरी और यहाँ एज है, उल्टा है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप टैब दबा दिया, कृष्णा, कृष्णा को देखो भाई इस लिस्ट में कृष्णा कहाँ है, तो मैंने एफ पे क्लिक कर दिया, कृष्णा कृष्णा, फिर यहाँ पे मैं गया क्या 1 2 3, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कॉमा प्रेस करूंगा 3, क्योंकि 3 नंबर पे सैलरी का कॉलम है, फिर कॉमा 0, सो ये हो गया मेरा, सैलरी आ गई कृष्णा की, ठीक है, फिर इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूंगा तो इसकी सैलरी भी आ गई। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब मैं किसी एक्सटर्नल वर्कबुक से, जैसे ये वर्कबुक अलग है और ये अलग है, लगाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली डॉलर आ जाता है यहाँ पे, अगर आप नोट करोगे तो डॉलर ऑटोमेटिकली आ गए, लेकिन अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा तो एनए आ रहा है, क्यों, क्योंकि
सेम शीट में जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो ये जो डॉलर, जैसे मान लो अभी इस शीट में मैंने रेफरेंस दो दिए, एक तो पहले कृष्णा को रेफरेंस दिया F7, तो वहां पे डॉलर तो आया नहीं, जब मैंने एक्सटर्नल शीट का रेफरेंस दिया तो वहां पे ऑटोमेटिक डॉलर आ गया, ठीक है, और फिर तीसरे नंबर की वैल्यूज को इसने उठा लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके F7 को कर दूंगा कॉन्स्टेंट, क्या करूंगा मैं इसको कॉन्स्टेंट, तो मैं क्या करूंगा F4, आपका जो फंक्शन की 4 है, आप शिफ्ट 4 दबाओ या F4 दबाओ चलेगा, आप F4 दबाओ, F4 से क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो डॉलर दोनों तरफ आ जाएगा इसमें। अब इसने आपने कर दिया ओके, अब आपने तो किया कॉपी, इसको किया पे पेस्ट, अब यहाँ पे क्या आ गया 1,20,000, 1,20,000, अब मुझे यहाँ पे एज चाहिए बट यहाँ पे मेरी सैलरी फिर से रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ जाके 3 के जगह पे क्या कर दूंगा 2, 2 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा दूसरे नंबर का कॉलम यहाँ पे जो कृष्णा है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड नंबर का कॉलम इज एज, थर्ड नंबर का कॉलम इज सैलरी, तो ऐसे चाहे कितने भी कॉलम्स आए, चाहे कितनी भी रोज आए, आप वीलुकअप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो फिर 21 आ गया, लेकिन सोहम की एज तो यहाँ पे 23 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया F7 को, तो यहाँ पर भी वो फॉर्मूला कृष्णा को ही लग रहा है, तो मुझे क्या करना है यहाँ से है ना इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करना है और यहाँ जाके फिर 2 कर देना है, ठीक है, और यहाँ जो रेफरेंस था उसको मुझे ये जी का रेफरेंस नहीं, मुझे एफ का रेफरेंस देना है, तो जो एफ है वो एफ को मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया 23। यह मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ पहले जाके मैं क्या कर दूंगा इसको लगा दूंगा डॉलर, ठीक है, डॉलर लगा दिया, अब इसको कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो फिर से सैलरी आ गई, तो यहाँ जाके 2 कर देंगे, ये आ गई एज। सबको क्या देखना है, लुकअप वैल्यू देखना है, फिर यही सेम टू सेम इधर भी होना चाहिए, फिर चाहे कॉलम कौन से भी नंबर पे हो, ये एज यहाँ होता यहाँ होता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ नंबर चेंज करने हैं, ऑटोमेटिकली आपका डेटा आ जाएगा। अब मान लो कृष्णा की स्पेलिंग यहाँ पे आपने कर दी कृष्णा, अब बताओ क्या हुआ, लगा आपका फॉर्मूला, चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि आपको यहाँ पे नेम सेम ही चाहिए, यहाँ पे आपका 100% मैच होना चाहिए तभी ये वीलुकअप लगाता है। एक्सेल को नहीं मालूम है कि कृष्णा ही कृष्णा है, ये नहीं मालूम उसको, एक्सेल को तो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो नाम है वो 100% मैच हो रहा है या नहीं, बात खत्म। फिर कलर चाहे कोई भी होने, तो यहाँ पे आप ये कलर कर रहे हो, यहाँ पे आप ये कलर कर रहे हो, और यहाँ पे आप ये कलर कर रहे हो, मान लो आप यहाँ पे कोई और कलर कर रहे हो, तो इस कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर तो फॉर्मेटिंग है, सिर्फ डेट की फॉर्मेटिंग के वक्त थोड़ा फर्क पड़ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। सो ये है वी लुकअप, ठीक है, सो वो वी लुकअप का यूज क्या है कि यहाँ पर मेरे पास में मास्टर डेटा है, मेरे को यहाँ पे डेटा लगाना है तो मैं वहां से वैल्यूज को पुल कर सकता हूँ, मुझे बार बार यहाँ जाके देख के पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज वी लुकअप। ओके चलेगा भाई, फिर आप जब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तब तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो डॉलर हम लोग लगाते हैं ना, ये डॉलर अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक एक डॉलर लगा है आपका कॉलम को, ठीक है, और एक डॉलर लगा है आपका रो नंबर को। अब मुझे कॉलम को तो डॉलर रखना है, जैसे ये जो कॉलम है इसमें ये फिक्स्ड होने चाहिए, यहाँ पे मैं कॉलम को तो रख रहा हूँ बट यहाँ जाके मैं ना डॉलर इसका निकाल दे रहा हूँ F7 का, तो देखो अभी डॉलर F7 आ रहा है, मतलब क्या होगा F तो कांस्टेंट रहेगा, 7 नंबर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब 7 चेंज होके 8 हो जाएगा अगर मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 1,60,000 आ गया, मान लो यहाँ पे मैं रोशन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो देखो 1,40,000 आ गया, यहाँ पे 140 था, यहाँ पे भी आ गया वो 140, ठीक है, यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे जब मेरा 21 है, तो मेरे को बार बार ये डॉलर लगाना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके फिर डॉलर निकाल दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं F7 है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो देखो रोशन की एज 22, मेरी 21 और सोहम की 23 आ गई, इसको जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो फिर 1,20,000 आ गया, क्यों आया, अब ये तो कॉन्स्टेंट है बट यहाँ पे 3 है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 2, ठीक है, और फिर आप इसको पेस्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पे N आ गया, अब यहाँ पे किसका नाम डालना है आपको, सुरेश का, मान लो सुरेश का नाम डाल दिया आपने तो एज आ गई, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो, बचा कौन, सोहम, सोहम को ले लो भाई, सोहम को क्यों छोड़ना है, फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे रख दो, इसको भी यहाँ पे रख दो, इसको आ गया 21, सोहम की एज है 23, सो अच्छा सोहम को लिया है हम लोगों ने, किसको, अमित को छोड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अमित, फिर अमित क्या आ गई 20, तो देखो आगे ऑटोमेटिक डेटा अपडेट होते जाएगा, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वी लुकअप। अगर कोई क्वेश्चन है कहाँ पे कुछ नहीं समझा तो कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चलो थैंक यू, बाय बाय।